ओके सो डियर प्रॉफिटियर्स, जैसा मैंने आपसे कहा था, वी विल ट्राई एंड कवर मोर एंड मोर पीपल इंटरेस्टिंग बिजनेस ओनर्स. जबकि हमारा चैनल एक्चुअली रियल इस्टेट, मैं पर्सनली इतना उसमें जानकारी कम रखता हूँ, इसलिए मेरे एक कलीग हैं, फ्रेंड हैं, शी इज़ अ बिजनेस वूमन, हर नेम इज़ प्रीति पालव. हाई हाई एवरीवन. प्रीति, वेलकम टू द शो. एंड मुझे आपसे ये पूछना था कि हमारे मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, हर बार एक क्वेश्चन आता है कि रियल इस्टेट स्टॉक्स के बारे में. मैं इतना जानता नहीं हूँ, सो वी डोंट कवर एक्चुअली, बट अ लॉट ऑफ आर पीपल कीप आस्किंग अस. तो पहले तो ये बताइए कि आप जस्ट इंट्रोडक्शन में आप एग्जैक्टली क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग इन योर फील्ड, क्या कर रहे हो अभी इस वक्त? अभी फिलहाल तो मैं एज अ चैनल पार्टनर वर्क कर रही हूँ. अच्छा. इन नवी मुंबई लोकेशन के लिए. अच्छा. तो टोटल अभी नवी मुंबई के लिए मैं काम कर रही हूँ कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उस पर भी मैं काम कर रही हूँ. और मतलब एक प्रॉपर घर लेते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और रेरा क्या है, एज पर द रेरा हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखने के लिए या फिर आपको रहने के लिए जो प्रोजेक्ट है या फिर जो प्रोजेक्ट के जो रेपुटेड बिल्डर है. जी. तो क्योंकि घर ले रहे हैं तो वन टाइम, ऐसा नहीं है कि हम लोग बार बार घर लेते हैं, वन टाइम ही लेते हैं, हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट उसमें रहती है, वॉट एवर जो ड्रीम हाउस रहता है किसी का. सो और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल के जो है अपने अपने प्रोस्पेक्टिव है घर को लेके. तो वो इसके लिए मैं उनको हर तरीके से गाइड कर रही हूँ कि प्रॉपरली कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि उनको एक प्रॉपर टाइम पे घर मिले पोजिशन के हिसाब से. सेकेंड, उनको जो वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years 5 years आपको कुछ तो मिले, क्योंकि जैसे कि हम लोग देखें इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है. ओके. हम ऑलरेडी अभी जनरली देखेंगे तो हम इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, मिनिमम भी पकड़ के चले 8.50 पे कर रहे हैं इंटरेस्ट. तो वो हिसाब से आपको आपकी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट भी आगे जाके मिलना चाहिए. जी. अगर ओवर वैल्यूड डेवलप एरिया पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कितना एप्रिसिएशन मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा. इनफैक्ट वही हम लोग बीच में चर्चा कर रहे थे लाइव सेशन में, लास्ट कोविड के बाद तो बहुत अप्रिसिएशन हुआ है ना रियल एस्टेट. कोविड में क्या हुआ था, कोविड में डेवलपर्स लोगों ने रेट्स डाउन कर दिए थे. अच्छा. हाँ, इसकी वजह से उस टाइम पे रियल एस्टेट का बिजनेस बूम हुआ था. क्योंकि डेवलपर ने खुद प्राइस ड्रॉप कर दिए थे, इसकी वजह से वो एक अच्छा बेनिफिट मिल गया था जो इन्वेस्टर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने. लेकिन अभी देखेंगे तो एक इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री आगे जाके और बढ़ने वाली है. ओके. क्योंकि मुंबई का क्राउड ना कम होने वाला है. हाँ, वो तो. और क्राउड बढ़ता जा रहा है एंड घर कम पड़ते जा रहे हैं. तो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन नवी मुंबई है? हाँ, बेसिकली अभी तो मैं पूरा फोकस नवी मुंबई के लिए ही कर रही हूँ. परफेक्ट. और बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अदर प्रोजेक्ट के, जैसे थाने लोकेशन हो या फिर मुंबई लोकेशन के लिए, सो मैं रिकमेंडेशन दे सकती हूँ. बट प्रिफरली मैं अभी बेसिकली इसी फील्ड में, मतलब नवी मुंबई लोकेशन पे काम कर रही हूँ. ओके. सो जैसा आपने देखा कि शी इज़ प्राइमरीली एन एक्सपर्ट इन रियल इस्टेट, शी इज़ अ, यू कैन कॉल हर रियल इस्टेट इन्फ्लुएंसर ऑल्सो. बहुत जल्द आपको शायद इनके कुछ कुछ रील्स वगैरह भी दिखेंगे. तो पहले मेरे को ये बताया गया है कि हमारी रिसर्च टीम ने कि पहले आप सब ब्रोकर भी रह चुके हो. हाँ, मैं पहले मैंने फ्रेंचाइजी भी ली हुई थी. अच्छा. हाँ, तो उस पे भी मैंने काम किया था. मतलब हमारे फील्ड में रह चुकी हैं. शी वाज अ सब ब्रोकर बाय द वे. और आप डीमैट अकाउंट्स में थोड़ा सब. हाँ, डीमैट अकाउंट में काम करते. उससे पहले मैंने जॉब भी किया है. अच्छा. मतलब मेरा 10 years का पकड़ के चलिए कि मैंने स्टॉक मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस भी है. Okay. मैंने आनंद रेड्डी के साथ काम किया हुआ है. वंडरफुल. एंड वेंचर सिक्योरिटी उसके साथ भी किया है, जीपल कैपिटल उनके साथ भी काम किया हुआ है. तो फिर वहाँ से कैसे आप रियल एस्टेट में आ गए? क्योंकि ये जो अभी जो शेयर मार्केट या फिर आप देख सकते हैं कि ये जो फील्ड है अलग है. वो भी इन्वेस्टमेंट है और ये भी इन्वेस्टमेंट है. बट अभी आगे से 10 साल देखेंगे तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है. आपको लग रहा है? यस, एग्जैक्टली. क्योंकि इस पे काम भी चल रहा है, देख सकते हैं आप रेरा का भी इतने चेंजेस आ रहा है. क्योंकि उनको भी ये जो इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट का जो मार्केट है इसको बढ़ाना है. राइट. आप देख सकते हैं पूना सिटी अभी एक नंबर 1 पे आ गया है रियल इस्टेट इंडस्ट्री में. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज. यस. तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि रिक्वायरमेंट हो गई है अभी आफ्टर द कोरोना. लोगों को समझ में आ गया है कि एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है या फिर वो जीना है जिंदगी जो है. तो वो इसकी वजह से उनको भी रियल इस्टेट में अभी देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो सब एमिनिटीज के साथ आ रहा है. वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को अपग्रेड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं. राइट. तो
ये चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ से कल्याण भी जाएंगे, वहाँ के प्रोजेक्ट में भी आपको स्विमिंग पूल हो, इन्फिनिटी पूल हो, एवरीथिंग यू कैन गेट लाइक मोर देन 40-50 एमिनिटीज देयर। अच्छा ग्रेट, तो उस पर हम लोग आएंगे ज़रूर। आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में आप अभी पर्सनली इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक्स में प्रेफर करते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स में? मैं पहले से ही मतलब रिकमेंड यही करती हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर आपको टाइम है या एंड आप एनालाइज कर पाते हो या आपको उसका नॉलेज है या फिर आपके पास कोई एक्सपर्टीज है, देन यू कैन गो विथ इन्वेस्टमेंट। लाइक आपका एक मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो उस अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं। जैसे कि अच्छे स्टॉक्स हैं फंडामेंटली टेक्निकली हम लोग देखे, उस पर रिसर्च करके हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके जब भी हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हमारा उतना हम लोग रीच कर दे तो एग्जिट करके न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर न्यू अपकमिंग जो अच्छे अच्छे कंपनी आ रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हो, तो उसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर टाइम है तो यस ऑब्वियसली, क्योंकि वर्किंग डेज में हम लोग ये सब नहीं देख सकते, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसा है कि मार्केट को आपको थोड़ा तो अवेयर रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, आपके जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, आपको विदाउट एनी मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट, और आपको अगर लगता है कि आपका जॉब परफेक्ट है आपके लिए और यू आर एक्सपर्ट इन यूर फील्ड, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, सो यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स परफेक्ट विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी, यू कैन कीप योर गोल फॉर 10 ईयर समथिंग एंड यू विल गेट द व्हाट यू वांट टू अचीव। 15-16% तो मिनिमम तो अच्छे मतलब डिविडेंड म्यूचुअल फंड भी दे रहे हैं। हाँ अच्छा, तो अभी आपका उस एरिया में भी, हमारे जोन में भी एक पाँव है इन्वेस्टमेंट्स में और रियल इस्टेट दोनों में से। आपको पर्सनली आपके करीब व्हाट इज क्लोजर टू यू, रियल इस्टेट और इक्विटीज से ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। हाँ। तो ऑफ कोर्स, बट वहाँ से भी मेरे क्लाइंट है जो आज अच्छा। भी मुझसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा। देखो इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को मेन उनका पर्पस ये रहता है कि पैसा बनाना है। ओके तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि सब पैसा अगर 100 rupees इन्वेस्ट करना है तो वन टाइम वन प्लेस पे मत करो। करेक्ट अगर करना है तो आप 20-25 rupees हर सेक्शन में या फिर अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो। सो कभी यहाँ पे पैसा बनेगा, कहीं यहाँ पे पैसा डूबेगा, तो एक बैलेंस बन के चलेगा और आपका नुकसान नहीं होगा। तो मैं इसलिए इस फील्ड में भी मैंने इंटरेस्ट भी दिखाया क्योंकि ये मतलब एक ग्रोइंग इंडस्ट्री तो है ही है। ओके एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे कैसा है ना कि एक अश्योरिटी भी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है कभी डेड नहीं जाएगी। हाँ ये मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था। इंडिया में जब से हम बड़े हुए, मतलब एवरी जनरेशन हैज बीन टोल्ड कि गोल्ड और रियल एस्टेट तो कभी डाउन नहीं जाता है। राइट, क्योंकि वो एसेट है, वो हमारे हाथ में है, वी नो कि हमारे पास है, वो उसकी वैल्यू कभी नहीं कम। सो गोल्ड गाइस, आप ऑडियंस जो देख रहे हैं, ये गोल्ड के लिए तो हम लोग किसी सोनार के पास जाएंगे उनका पर्सपेक्टिव लेने, बट रियल एस्टेट में अभी भी ये इसके आगे भी आपको कॉन्फिडेंस इतना है कि रियल एस्टेट हमेशा ऊपर ही जाएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको? देखिए हर सेक्टर में ये सैचुरेशन पॉइंट आता है, राइट, बट अभी ऐसा कोई सीनेरियो नहीं दिख रहा है। जैसे कि अभी कुछ सडनली अगर ग्लोबली कुछ आता है तो देन इम्पैक्ट तो सब सेक्टर में आएगा। करेक्ट करेक्ट। ओके अभी इकोनॉमिकली देखेंगे तो हमारा जो अभी पॉलिटिकल्स भी देखेंगे तो वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उतना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंफ्रा पे तो बहुत फोकस है, राइट, तो इसकी वजह से आगे जाके तो ये अपग्रेड ही होगा, ऐसा डाउनग्रेड कुछ नहीं लग रहा है। और जैसे कि हम लोग देखेंगे अभी एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस देखेंगे तो गरीब से गरीब के घर में भी पढ़ाई हो रही, बच्चा अपग्रेड करना चाहता है, दे नो देयर राइट्स एंड एवरीथिंग, तो हर किसी के एक ड्रीम भी हो रहा है। सही. तो ऐसा नहीं होगा कि अभी हम लोग डाउनग्रेड कभी जाएंगे, इंडिया जाएगा तो अपग्रेड ही जाएगा और मुझे अपग्रेड ही होता जाएगा टर्म्स ऑफ द लाइफस्टाइल या फिर आप बोल सकते उनकी सोच या फिर उनका रहन सहन बढ़ता ही जाएगा। तो अच्छा ये कहना सही होगा कि कुछ कुछ पॉकेट्स में बहुत डेवलपमेंट है रियल एस्टेट में, जैसे कुछ कुछ पॉकेट्स और आगे बढ़ सकते हैं अभी, कल्याण जैसे आपने बताया। हाँ, मैंने अभी कैसे बोल रही हूँ कि अभी देखिए मुंबई ऑलरेडी ओवर मतलब डेवलप्ड हो चुकी है जी, ऑलरेडी डेवलप्ड है, मतलब रीडेवलपमेंट हो गया वहाँ पे, सब कुछ हो गया और वो ओवर वैल्यूड हो गया है, तो आउट ऑफ द बजट हो गया है। करेक्ट। ओके, कॉमन पीपल कांट अफोर्ड देयर होम 1 BHK। राइट। ओके, सेकंड थिंग वो कंजेस्टिंग हो गया है बहुत वहाँ पे, आपको अगर सिंगल आपकी कार पार्किंग भी लेनी है तो यू हैव टू पे 10-15-20 lakhs। करेक्ट। जनरल एक ये है कि हम लोग
वो भी वहाँ पे कार पार्किंग के लिए भी अलग, मतलब ये नहीं है। इसीलिए ये नवी मुंबई जो है अभी डेवलप हो गई है और ये प्लान सिटी है। इस सिटी को अप्रूव यहाँ पे जो है सब प्रोजेक्ट रहते हैं, प्लान्स है, एवरीथिंग प्लान, लाइक आपका हॉस्पिटल्स हो, नियर बाय द स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, एवरी कॉलेजेस, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज लो, मेडिकल कॉलेज लो, सब कुछ यहाँ पे एवरीथिंग प्लान। ओके सो आपको यहाँ पे वो सब एक अलग तरीके की सिटी मिल रही है जहाँ पे एक आराम से हम लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं, फैसिलिटीज या एवरीथिंग, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर आपका कनेक्टिविटी हो, बढ़िया। सेकंड थिंग, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से प्लान किया है कि आप देख सकते हैं स्टेशन के वो साइड जो है वहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया रखा हुआ है। एंड यहाँ पे सब रेजिडेंशियल, एवरीथिंग प्लान तो वो हिसाब से हमें, मतलब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है अभी। बाहर की मुंबई के लोग नवी मुंबई में आ रहे हैं फॉर द जॉब पर, करेक्ट। पहले ऐसे नहीं था, पहले ऐसे नहीं था, पहले उल्टा होता था। पहले सीन ऐसा था कि नवी मुंबई के लोग बाहर जाते थे, बट नाउ इन द डेज अभी देख सकते हैं आईटी कंपनीज हो, आपकी केमिकल्स, मेडिकल, जो भी कंपनीज भी है यहाँ पे है, या फिर बीपीओ हो या फिर आपके कॉल सेंटर्स, एवरीथिंग। अगेन वही, मतलब वही बात आ जाती है, अफोर्डेबल भी है ना, अफोर्डेबल है, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका यहाँ पे नवी मुंबई का जो है सेटअप ही है उस हिसाब से किया हुआ है कि जॉब भी इन हाउस हो और नियर बाय द लोकेशन के यहाँ पे हाउसेज या फिर जो ऑफिसेस है अवेलेबल है, तो कन्वीनियंट हो जाता है लोगों को। तो आप जैसे डेली में अभी आपके फील्ड पे बात करेंगे बिकॉज हमारी स्टॉक्स की चर्चा तो ऑलमोस्ट डेली चलती रहती है, आपके फील्ड में अभी आप जो प्रॉपर्टीज वगैरह दिखाते हैं क्लाइंट्स को, कौन से, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा सैलरी ब्रैकेट है जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या सब तरह के क्लाइंट आपको मिलते हैं नवी मुंबई के लिए, कल्याण के लिए, शील फाटा के लिए? बाय द वे इनके कुछ कुछ आप एरियाज बताना चाहोगे, आप कहाँ कहाँ? नहीं, अभी देखो नवी मुंबई में तो मैं टोटल घनसोली, कोपर खैने, एरोली हो, वाशी हो, या फिर खारघर हो, ये सब जो खारघर और ये सब जो है तलोजा तक भी हम बोल सकते हैं वो नवी मुंबई कंसिडर किया जाए, तलोजा भी डेवलप हो रहा है। अभी नवी मुंबई में जैसे कि अभी देख सकते बिफोर 30 इयर्स यहाँ पे कुछ नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब हमारे मम्मी पापा को पूछेंगे ना तो बोलेंगे वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे हम लोग गांव में जाते थे तो उनको लगता था अभी गांव चालू हो गया यहाँ से। दैट्स काइंड ऑफ द वाशी का ब्रिज नोन है सबको। तो ये रियलिटी थी। तो अभी देखेंगे तो आफ्टर 30 इयर्स में देखेंगे तो अभी ये 25 साल में जो चेंजेस आए हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे आए, सिडको ने उस तरह से प्लान भी किया है एवरीथिंग एंड परफेक्टली प्लान बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, सिडको के वजह से जो लोग हमारे चैनल में दिल्ली गुड़गांव से देख रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा बट न्यू बॉम्बे के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट एक्चुअली सिडको को जाता है। सिडको इज अ बॉडी जिसने अपने हाथ में एक मोनोटोनस, मतलब एक अपने हाथ में लेके पूरा बेबी की तरह न्यू बॉम्बे को डेवलप किया। सो खारघर, मतलब ये कोई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट खारघर अच्छा एरिया है, जैसे प्रीति ने बताया, वाशी, नेहरू, उसमें काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। खारघर में तो मैं खुद 2009 में सीमेंस में जब काम करता था तो वी यूज्ड टू कम, और सही बोल रहे हैं आपको, जस्ट डेवलप हो रहा था, दैट वाज अ गुड टाइम एक्चुअली फॉर द इन्वेस्टमेंट। अभी कैसे है ना कि नियर बाय द जो लोकेशन है, स्टेशंस नियर बाय लोकेशन अभी ओवर वैल्यूड हो गया है, वाशी भी अभी काफी कॉस्टली हो गया है क्योंकि अभी सब नियर बाय द हो गया, क्योंकि एक बोल सेंटर पॉइंट हो गया जी, तो इसके वजह से नवी मुंबई है, पनवेल है, या फिर यहाँ से अभी मुंबई को कनेक्ट कर रहा है, थाने कनेक्ट कर रहा है, तो ये हिसाब से उसकी वजह से वैल्यू तो बढ़े हुए हैं सब प्रॉपर्टीज के। तो ऐसी कोई दिक्कत आप देखते हो प्रीति, जो आप बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, कि रियल इस्टेट में सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है कस्टमर का आपके हिसाब से, यानी कहाँ जाके बात अटक जाती है अगर डील हो रही होगी तो? और डील, मतलब अभी देखेंगे तो एक तो है कि कस्टमर को मार्केट को रिसर्च करना चाहिए पहली चीज़, सेकेंड थिंग उनको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको एक उनको शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि अगर हमें हम पता ही नहीं हमें क्या लेना है घर में, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो ढूंढते रह जाते हैं क्योंकि वो मैच कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और 10 out of 10 तो कहीं मिलेगा नहीं, कहीं पर तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि घर लेना है। एक तो प्राइस के यहाँ से, मतलब बजट लेके चलना है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कैसे हाउसेज चाहिए तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वी आर हेल्पिंग टू पीपल कि पहले हम लोग उनको पूछते हैं कि आपकी नीड क्या है।
फर्स्ट थिंग कि आपके प्रायोरिटी में क्या आ रहा है, आपके पास स्कूल आपको नज़दीक चाहिए, आपको स्टेशन नज़दीक चाहिए जी, या आपको क्या रिक्वायरमेंट क्या है फर्स्ट थिंग, आपको एमिनिटीज वाला चाहिए, आपको अफोर्डेबल चाहिए या फिर आपको लग्जरीज चाहिए, वॉट एवर जो भी नीड है सारे ऑप्शन अवेलेबल। यस, मेरे पास सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। इवन मैं तो अभी लोगों को रिकमेंड करती हूँ, अगर आपको सिटी से नियर बाय अगर 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर अच्छे प्रोजेक्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ओके, क्योंकि अगर आप उतना जो इन्वेस्ट कर, एग्जांपल में दे सकती हूँ कि अभी कल्याणशील रोड देख सकते हैं, वहाँ पे अभी देख सकते हैं इतना डेवलपमेंट आ रहा है लास्ट 2 इयर्स में, कोरोना के बाद भी देखेंगे, वहाँ पे अभी 6 लेन रोड बन गया है। ओके, तो वहाँ पे वो चेंजेस हो गए। अभी वहाँ पे जो इंटरनल जो 100 मीटर्स के रोड्स है, कनेक्टिविटी वो बढ़ा रहे हैं, दीवा को जंक्शन कर रहे हैं, दीवा जंक्शन हो रहा है। सेकेंड थिंग आप देख सकते एरोली कटाई जो 20 मिनट्स में हार्डली फ्री वे है जी, आपको पहुंचा देगा, जो अभी 45 मिनट्स लगते थे कोपर कहने एरोली से जाते, अभी आप एरोली से 20 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। तो जो एरोली का सीमेंस लो, कैपजेमिनी लो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ के जो क्राउड है या फिर वहाँ के जो पीपल हैं उनके लिए एक लग्जरियस लाइफ, बिकॉज देयर लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट। तो वो कोपर कहने की मतलब पुराने G+4 में नहीं मैच कर पाते हैं, क्योंकि वो अगर जैसे कि नॉर्थ साइड से आते हैं या कहीं से आते हैं, उनको एक रहता है कि एक लैविश फ्लैट में रहने की आदत रहती है, स्पेशियस फ्लैट में रहने की आदत रहती है, तो दे कांट लाइक एडजस्ट विद दिस स्मॉल कॉम्पैक्ट फ्लैट और समथिंग। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये अभी इसीलिए जो सिडको भी है या फिर वॉट एवर गवर्नमेंट रेगुलेटरी है वो बाहर अपग्रेड कर रही है। हाँ, नवी मुंबई को नहीं बढ़ा रही है। अब देखेंगे तो ये आपने देखा होगा G+4 पे वो वही कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ऊपर अलाउ नहीं कर रही है, नहीं कर रही है क्योंकि बाहर डेवलप कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये आपको मतलब अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप 1 BHK लेना है एक जनरल अच्छा सोसाइटी में स्टैंडर्ड स्टैंडलोन बिल्डिंग में आपको बेसिक एमिनिटीज के साथ, अगर ऊपर कहने घनसोली एरिया में आपके पास एटलीस्ट 82 1 CR चाहिए। माय गॉड, ये तो अच्छी बात है आपने बताया। मैं जनरल बोलूँ कि बेसिक मतलब अच्छे सोसाइटी में G+7 में जा रहे हैं, एटलीस्ट लिफ्ट हो, बेसिक सिक्योरिटीज रहेगा और एक कैमरा रहेगा, दैट्स इट। भाव मतलब काफी आगे बढ़ गया ना। हाँ, मतलब अभी ये प्रॉपर्टीज के इतने रेट्स अभी यहाँ पे चल रहे हैं बहुत आगे। और वही मैं अगर बोलूँ 10-15 मिनट्स आप जा रहे हैं कल्याणशील रोड जा रहे हैं या फिर आप खारगर के वो साइड जा रहे हैं, तो आपको वही उस 80 लैक्स में आपको 2 BHK अच्छा अफोर्डेबल स्पेशियस विद एमिनिटीज के साथ आपको मिल रहे हैं घर। That's a, ये बहुत अच्छा, that's हाँ. a good perspective इन्होंने जो बताया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पे, हम लोग है ना प्रीति, जब पोर्टफोलियो बनाते हैं या जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, उसमें जब पोर्टफोलियो का मामला आता है तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहले तो यू शुड कंसल्ट योर सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन अल्टीमेटली हर इंसान, आपको भी पता है इंडिया में करता क्या है, वो अपने हिसाब से एक पापा से पूछ के या किसी सीनियर से पूछ के ही बनाएगा। तो एक नॉर्मल गणित मैं आपको बता देता हूँ यहाँ इस पॉइंट पे जो इन्होंने बोला कि हर इंसान के पास एटलीस्ट एक घर तो होना ही चाहिए। यस, है ना। अब उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलो या जो भी बोलो, रहने के लिए एक अच्छा घर अगर आपके पास है और आप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो आप उसको ग्रो कीजिए। अगर आपके नाम पर नहीं है देन आई थिंक भाई मिनिमम एक बंदे के हाथ नाम पे एक अच्छा मकान वैसे भी होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो का आप 25% उसके लिए अलग रख सकते हो एंड इवेंचुअली वो घर आपको जैसे इन्होंने कहा वो ग्रो होके ही देगा। बट एक मकान एक बंदे के नाम पे इंडिया में वैसे भी होना ही चाहिए, चाहे आप इनहेरिट करो या जो भी करो। जैसे बहुत लोगों ने कोविड में सेकेंड होम करके, सेकेंड होम के भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें भी हमें मिलते हैं कि सेकेंड होम में अच्छे रेप्यूटेड जो है प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डर्स, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी रखे कि आपको इनकम भी उसके साथ दे रहे हैं। हाँ, वो ओके तो वो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे पास। तो अगर पहले तो समझ में ये आना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमें किस तरह की करनी है, हमें खुद के रहने के लिए करनी है, तो कुछ पॉइंट्स है उसमें हमें फोकस करना चाहिए, जैसे स्कूल नियर बाय होना चाहिए, हॉस्पिटल्स नियर बाय होने चाहिए, और सेकेंड थिंग कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो बेसिक बेसिक जो एमिनिटीज और बेसिक जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट डेली डे टू डे बेस पे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड थिंग उस प्राइस का एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। हाँ। या फिर अभी हमें रीसेल करना है इन फ्यूचर द एमरजेंसी,
बट तो वो रियल एस्टेट में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इन लोगों को कहाँ आती है, मेरे सब्सक्राइबर्स के मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कमेंट्स, दिक्कत कहाँ आती है, एक तो मेरा चैनल तो है नहीं उसका, हम तो इन्वेस्टमेंट चैनल है, तो रीसेल में बहुत दिक्कत आती है ना, एंड सही भाव मिलता नहीं है कभी कभी रीसेल में। अच्छा हम लोग तो अच्छे मतलब प्रॉपर बॉम्बे दिल्ली हो गया या, बट छोटे छोटे शहरों में हमारे अभी भी वो प्रॉब्लम है कि रेंट पे चढ़ाया था और वो बंदा खाली नहीं कर रहा है, यू नो मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे टाउन्स है, यहाँ तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे तो सब लीगली है, बराबर है, डॉक्यूमेंटेड है। सो अकॉर्डिंग टू यू, एक फाइनल एक दो क्वेश्चन है मेरे कि अकॉर्डिंग टू यू आपको ये इन्वेस्टमेंट लगता है रियल एस्टेट या ये कंजम्पशन है, इज दिस एन इन्वेस्टमेंट या यू आर स्टेइंग देयर, तो आप कंज्यूम कर रहे हो ना घर को। देखो घर एक ऐसी चीज है ना, अभी आप पूरा दिन कहाँ पे भी घूमो कुछ भी करो आपको सुकून सिर्फ आपका घर ही देता है। सही बात, दिस इज अ रियल फैक्ट। ये आपने बिल्कुल एक बिल्डर की तरह नहीं 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 ये चीज रियलिटी है, आप कितना भी थक के जाए लेकिन घर जाके आपको एक फील आता है। सही बात, और वो खुद का घर रहे आपके अकॉर्डिंग, आपने सब चीजें अपने सजाई होती है घर में, तो उसका एक जो सुकून रहता है वो अलग है, वो फील है वो अलग चीज है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप उस सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर खुद के लिए एक बोल सकते सम अमाउंट आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे या फिर उसके लिए पे कर रहे, लेकिन फिर वो कंजम्पशन हो गया ना। एग्जैक्टली मैंने वो घर लिया और मैं रह रहा हूँ वहाँ, फिर वो इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस और भी है रियल एस्टेट में, जो चीजें बाहर अभी तक लोगों को पता नहीं है। जैसे कि हम लोग इन्वेस्टर को, जो प्योर इन्वेस्टर है उनके अकाउंट में पड़ा है 1 CR एग्जाम्पल पकड़ के चलो, या फिर 5 CR 10 CR व्हाटएवर, तो उनके लिए अलग स्ट्रेटेजीज है कि वो इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 3 years में, मतलब ईयरली भी उनको 10% मिनिमम ग्रोथ मिले, तो वो भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे कि लैंड स्टेज पे इन्वेस्टमेंट होती है आजकल, ओके तो वो ऑप्शंस है। प्लॉट नहीं, प्लॉट तो वो अलग चीज आई, अगर हमें जो न्यू कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो उनके भी लैंड स्टेज पे इन्वेस्टर रहते हैं, अच्छा तो उनका वही काम रहता है, तो वो सेफ है। सेफ इसीलिए तो हम लोग बैठे ना कि कौन से बिल्डर के साथ करना है, अगर आप नहीं, क्योंकि ये होता है ऐसे कोई भी आके उठ के बोल दिया कि करो तो नहीं, क्योंकि आपको उनका भी स्टडी करना चाहिए, उनका मार्केट, क्योंकि तो आप उसमें भी सपोर्ट करते हो। यस एग्जैक्टली, मेरे पास ऐसे अच्छे बिल्डर्स हैं, मैं ज्यादा बिल्डर के साथ काम नहीं करती भी फ्रैंकली, मतलब मैं कस्टमर को रिकमेंड करूंगी ये चीजें है जो देखनी है आप कहीं से भी ले लो, बट सिंपल ये है कि उनका मेरे लिए एक घर की वैल्यू, मतलब हम लोग अपना जमा पूंजी लगा, जमा पूंजी लगा, ओके तो एक घर उसको अगर 1 साल भी डिले होता है तो आप समझ नहीं पाते कि उनका पेन क्या होता है, क्योंकि वो जो सफर करते, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन 2 years में मुझे पोजीशन मिलने वाला है, तो मैं ऑलरेडी सब इन्वेस्ट कर चुकी होती हूँ, मैं यह घर चला रही हूँ, रेंट पे कर रही हूँ, एंड आपका EMI स्टार्ट हो जाता है, तो आपको आफ्टर 2 years के बाद आपके पास तो कुछ अवेलेबिलिटी नहीं रहती कि आप करेंगे क्या। सही बात है, अगर नहीं पोजीशन ऑन टाइम मिला तो उनका तो सफर ही करना है, उनको अटक जाएंगे। ऐसे कितने लोग, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन जा रहे हैं तो बिल्डर का प्रोफाइल देख लीजिए, अभी रेरा आ गया है जो कंज्यूमर के लिए है, उसको रीड कीजिए जाके। एक्चुअली हाँ ये मैं बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात बोली है, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इनका भी अर्ज है, हम दोनों का अर्ज है कि आप रेरा जो पूरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्ट है, कोई भी घर लेने के पहले इट्स योर ड्यूटी कि आप एक बार पढ़ें, और प्रीति का लिंक जो है, इनके जो कंसल्टेंसी का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, सो दैट आपको इनसे डायरेक्ट कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि जो भी जहाँ भी इंडिया में सही काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों या मेरे पहचान वाले हों, उनका काम आप तक पहुँचाएँ, ये जिम्मेदारी है। बिकॉज रियल एस्टेट जैसा इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ऐसी फील्ड है कि इसमें आप हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीबॉडी। एग्जैक्टली करेक्ट ना, तो बट आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेरा की जो है ना, रेरा वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर फॉलोइंग देयर लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। अगर कोई, अगर मैं एक टिप देना चाहता हूं, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट या किसी में आपका पैसा अटका हुआ है और वो रेरा में है, तो आप रेरा में फाइल कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं, उसके लिए कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप रेरा में कंप्लेंट डाल के जा सकते हैं, आपको इमीडिएट वहां पे आपको ये मिल जाएगा। बट अगर वो प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए, यस एग्जैक्टली, वो रेरा में होनी चाहिए, रेरा के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी उसमें आती है तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। उसके लिए मैं अलग से कुछ एक आपके लिए वीडियो बना दूंगी,
तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, रेगुलेटरी, मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, अगर रेरा रजिस्टर है तो आप वहाँ पे एक रेरा नंबर आता है, वो रेरा नंबर आपने महारेरा पे जाके, जो महाराष्ट्र के लिए वैलिड है, महारेरा जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे डाल दीजिए, तो आपको पूरा डिटेल्स आएगा, इवन कितना प्रोजेक्ट पे लोन है, क्या है उसका पोजीशन डेट, क्या है व्हाट दे प्रोवाइडिंग, एवरीथिंग, वहाँ पे बिल्डर कौन है, इन्वेस्टर कौन है, वहाँ पे पार्टनर कौन है, आपको पूरी डिटेल्स रेरा में मिल जाती है। तो एक कैसा है ना, ये कंपल्शन किया हुआ है, और बिल्डर को ये एक बोलते हैं ना, रेगुलेटरी ऐसी चीज रहती है ना, वो अगर है कहीं पे तो यू आर सेफ इन सेफ हैंड। सो रेरा के आने के बाद आप बोल रहे हो काफ़ी फर्क पड़ा है। हाँ, तो ये बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट, मतलब इम्प्रूव हुई है और आगे जाके और इम्प्रूव करने वाला है रेरा। देख सकते हैं आप रेरा में जो अभी जो प्रोजेक्ट है वो उनको ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने, अदरवाइज दे विल पेनलाइज। ओके, तो इसका एक रहता है ना कि मतलब पहले लगाम नहीं थी, अभी लगाम रेगुलेटरी ने अपने हाथ में रखी हुई, तो अभी सब चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ कि देखो जो चोरी करने वाला है वो कैसे भी करेगा। ओके, लेकिन अभी जो 100% फ्रॉड हो रहे थे वो अभी पकड़ के चलो 0.10% पे आए होंगे। जी, बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी चीज है, 90% तो हम लोग सेफ है। तो कुछ चीजें हैं तो हमें अभी घर लेने से पहले पहले आपकी रिक्वायरमेंट को आपको पॉइंट वाइज एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट थिंग। तो आप यहाँ वहाँ ढूंढे मत, क्योंकि हर कोई अपना बिल्डर अपना प्रोजेक्ट अच्छा बताएगा, प्रोडक्ट अच्छा बताएगा, बट आपको मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, एक चैनल पार्टनर, आप चैनल पार्टनर थ्रू जाते हैं तो एग्जैक्टली बताएंगे, क्योंकि वो आपको 10 प्रोजेक्ट दिखा देंगे, उसमें से आपको बेस्ट भी बताएंगे। हाँ, हाँ, एक जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, या फिर एडवोकेट के पास जाते हैं, तो उनकी स्पेशलिटी रहती है, एंड सेकेंड थिंग उनके पास वो डेली उनका काम है, तो उनको नॉलेज रहता है। एब्सोल्युटली। ओके, तो बिना देखे भी डॉक्टर पता चल जाता है कि हाँ ये हुआ है ना, तो ये इसका इसका ये ऐसा दवा है, तो दैट्स काइंड ऑफ कि हम लोग भी यही हेल्प करते कि फर्स्ट तो हमारा जो भी कंज्यूमर है या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो घर लेते समय, हम लोग उनको उसमें हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट सर्विस, जैसे कि आफ्टर भी आपका अगर एक बार डील हो जाता है या वॉट एवर, उसके बाद भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे फंस गए तो उनको नहीं अभी हमें पता नहीं, ये नहीं कर सकते, ये उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक कस्टमर का हमेशा माइंड में रहता है। हाँ, कि ऐसा नहीं के बाद में नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा कस्टमर के साथ 10 years तक का हम लोग कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी, हम लोग मतलब कनेक्ट रहते हैं। दैट्स अमेजिंग। यस, एक्चुअली तभी एक ट्रस्ट बना रहता है और एक बॉन्डिंग बना रहता है, कस्टमर को भी सेफ लगता है क्योंकि कस्टमर के पास उतना नॉलेज नहीं है। जी जी, जो एक क्वेश्चन का आंसर मैं इजीली दे सकती हूँ वो शायद आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो आप एक बार घर देते लेते समय या इन्वेस्टमेंट करने हैं तो इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर कीजिए आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं, आपका टाइम फ्रेम क्या है, तो वो सब चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ मैच हो रही है, एंड देन आप आपका घर ले सकते हैं, उसमें अभी इजी प्रोसेस हो जाएगा। तो बट ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपने इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड मैं पर्सनली आपको शायद पता होगा हु आर फॉलोइंग माय चैनल, मैं पर्सनली रियल इस्टेट एज अ प्रोडक्ट को इतना आगे भी नहीं बोलता हूँ और ट्रैक नहीं करता हूँ, बट बिकॉज शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, वो काम और हमको फीडबैक आया है कंज्यूमर्स का इनके, जो काफ़ी इनसे खुश हैं, इसलिए आई थॉट कि एक हटके मुहिम चलानी चाहिए। अभी दिवाली का टाइम है तो लोग अच्छे घरों की हमेशा तलाश में रहते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली गोल्ड में डालने से अच्छा, अगर आपके पास घर नहीं है और आपको एक घर तो लेना ही है, तो वो पैसा यहाँ वहाँ डालने के बजाय एटलीस्ट 25-30%, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि 100 रुपये हैं तो 25-25-25-25 करके उसके 4 पैकेट बना के म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, थोड़ा रियल इस्टेट। हम लोग क्यों वकालत करते हैं, क्योंकि मैं आपको भी बताना चाहूँगा, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो 5-5, 6-6 घर लेके बैठे हैं, ऐसे भी लोग। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स एक ज़रूरत है, वो इट्स अ नीड टू स्टे इन अ डिसेंट हाउस। भाई एक घर अगर आपके पास है तो फिर आप दूसरी जगह एक्सपांड कीजिए, बट इंडिया में बहुत लोग हैं जिनके पास अपना अभी तक खुद का घर नहीं है। हाँ, और फर्स्ट होम के लिए आपके पास गवर्नमेंट के भी बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं, वो भी आप मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं, जैसे कि टैक्स के लिए बेनिफिट है, आप जो सैलरी में अपना टैक्स डिडक्शन होता है तो उसके लिए भी आप दिखा सकते हैं,
या फिर 2.5 लाख का पंतप्रधान आवास योजना है, हाँ, वो चीजें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे मतलब आपको बेनिफिट है अगर आपको आपके लिए रहने के लिए घर है तो इट्स ओके। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको फर्स्ट आपका होम लेना है या फिर आपको आप वैसे भी रेंट पे कर रहे हैं तो आप उतना ही आपका ईएमआई पे कर सकते हैं, आपका एक घर भी हो सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इन्होंने बताया वो इन्वेस्टर के लिए भी ऑप्शंस होते हैं रियल इस्टेट में। और मेरा खूबी यही मैं मानता हूँ कि जिस चीज़ में हम लोग पर्सनली शायद मैं अग्री ना भी करूँ, बट फॉर द लार्जर ऑडियंस हमें ऑडियंस को बताना है कि ये ऑप्शन तो है ही ना, मतलब आपके ऊपर है आपको क्या समझ में आता है। थैंक यू प्रीति, थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत सरलता से समझाया, वेरी नाइस। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपने कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊं कि ये चीज़ें ज़्यादा से, मेरा एक्चुअली यही मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुँचाऊँ कि नहीं ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमने भी गलतियाँ की है पास में, सो आई नो द व्हाट इज़ अ पेन, एक घर टूटने का या फिर घर में अटकने का क्या पेन रहता है, आई नो वेरी वेल। तो वो किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं हमेशा हेल्प करने के लिए सोचती हूँ। गॉड विलिंग फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। प्लीज़ कॉमेंट्स में आपका फीडबैक बताइए, ये एक एक्सपेरिमेंट था मेरी तरफ से। एंड अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, प्रीति पालव, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, so you can directly contact with her. And thank you so much for being the best audience ever. Thank you. Thank you.